बच्चों, अभी तक आपने ई की मात्रा का उच्चारण व ई की मात्रा को व्यंजन पर लगाना सीखा। आज हम ई की मात्रा के शब्द सीखेंगे। तो पहला शब्द है बच्चों दिन। देखिए दिन शब्द कैसे बना। द में ई की मात्रा जोड़ने पर दी और उसमें न जोड़ने पर दिन। दूसरा शब्द है सिर। स में ई की मात्रा जोड़ने पर सी और उसमें र जोड़ने पर सिर। तीसरा शब्द है हिरण। ह में ई की मात्रा जोड़ने पर ही और उसमें र व न जोड़ने पर हिरण। चौथा शब्द है तिलक। त में ई की मात्रा जोड़ने पर ती और उसमें ल व क जोड़ने पर तिलक। अब बच्चों देखिए, ये हैं चार अक्षर वाले शब्द जिसको हम दो भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। रि म रिम झि म झिम। अब इसको एक साथ बोलेंगे रिम झिम। हि ल हिल मि ल मिल हिल मिल। बच्चों इन सभी शब्दों में आपने देखा कि ई की मात्रा व्यंजन के बाईं ओर से लगी है। तो अब हम इसे एक उदाहरण से सीखेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ मैंने लिखा है क और इस क पर मुझे ई की मात्रा लगानी है। तो बच्चों आप हमेशा याद रखिए कि जब भी आपको ई की मात्रा लगानी हो तो आप अपना बायां हाथ ऊपर उठाएंगे। उससे आपको याद रहेगा कि हमें किसी भी व्यंजन पर ई की मात्रा बाईं तरफ से लगानी होती है। तो बच्चों आज आपको ई की मात्रा के शब्दों को लिखने का और पढ़ने का अभ्यास करना है।